नरियावली मुख्यालय पर जनपद पंचायत राहतगढ़ सीईओ सुरेश कुमार प्रजापति ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं पंचायत सचिवों सहायक सचिवों की बैठक बुलाकर शासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ घर घर जाकर संपर्क कर जानकारियां दी ताकि कोई गरीब योजनाओं से वंचित न रह जाए। सीईओ प्रजापति ने बताया कि चिन्ह अंकित योजनाओं की पात्रता के अनुसार हितग्राहियों को लाभ दिए जाए आदि बिंदुओं पर जानकारी दी गई। इस अवसर पर सब इंजीनियर सचिन दुबे, पंचायत इंस्पेक्टर मदन सरपंच छोटेलाल रावत, सचिव सुरवेंद्र सिंह, सचिव राजकुमार, सचिव वीरेंद्र दुबे, सचिन यादव, प्रकाश साहू, सचिव राम नारायण यादव, विकास विश्वकर्मा, सत्यनारायण उदेनिय, लोकेंद्र सिंह आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, विजय पाठक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नीलम तिवारी, दीप्ति दुबे, ज्योति सोनी, किरण अहिरवार, कविता अहिरवार, जमुना रायकवार आदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पंचायत सचिव उपस्थित थे। डाटा उठा है दिल सर का, हमेशा पहले का उठा है, जैसे इसमें 19 का डाटा उठा, 2019 का, ऐसे वो 2016 का डाटा उठाएगी और जॉब कार्ड आपका 2016 और 18 का उठा लेगी तो क्या गलत हो गया? एक को भी नहीं मिलेगा। और स्वाभाविक है, सरकार यही बोलती है कि एक परिवार में एक घर पक्का बन जाए। अब वो कह रहा है कि चार बच्चे हैं, अब पिताजी हैं, चार बच्चों की आगे अब वो कह रहा है पिताजी को और मिल जाए, मतलब उनको भी नहीं रखना चाहता। सरकार का जो उद्देश्य है वो यह है कि पहले एक परिवार को एक तो मिल जाए प्राथमिकता, नहीं तो पता चलता है कि वास्तविक पात्र हैं वो 2011 में भी छूट गए और इसमें आवास ट्रस्ट में भी छूट गए और पॉलीथिन बांध के रह रहे हैं, उनको तो लाभ दिला ही नहीं पा रहे हैं। और जो सक्षम है वो अपनी आईडी अलग अलग करा है, लाइन पहले करें, सरकार भी उन लोगों को नहीं दे रही। अभी जैसे तो पोर्टल ने बता दिया कि पहले से प्राप्त, मतलब जो आपका जॉब कार्ड था पहले जो 2011 में बना था उस जॉब कार्ड में सम्मिलित थे, तो उन्होंने उससे उठा के बोल दिया कि इनको मिल चुकी और हमारे सामने खड़े हो जाते कि हमें बिल्कुल नहीं मिली सर। और जब दो चार लोगों से और पूछते हैं तो पता चलता है कि इनके घर में 3 मिल चुकी हैं और ये पिताजी के लिए मांग रहे हैं या कोई छोटा 18-19 साल का है उसके लिए मांग रहा है। और ऐसे बोलते हैं कि जैसे किसी ने कुछ किया नहीं है, पूरी सरकार ने उनको इनको। सागर से संजय तिवारी की रिपोर्ट।